बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी एच 11 में वकास अज़ीज़ आपको खुश आमदीद कहता है। रमज़ान करीम का मुक़द्दस महीना, जो इबादात और नवाफिल के लिए, सवाब के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिया है, इस महीने में जहां बड़े से बड़ा गुनाहगार भी अपने आप को रोकता है तमाम तर गुनाह करने से, और वो जो उसकी रविश होती है उसको बदलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे सियासतदान ऐसे हैं कि वो फिर भी अपनी रविश नहीं बदलते। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और चाहे वो रमज़ान करीम हो, आम दिन हो, या ज़िंदगी का कोई भी मौजू हो, उन्होंने झूठ लाजमी बोलना होता है। उसकी मिसाल अगर हम देखें तो इमरान खान का कल जो एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 दिन का जो प्लान सामने रखा है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो वो उस प्लान पे अमल दरामद करेंगे। उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने आज जेआईटी के हवाले से जो तहफ़ुज़ात पेश किए, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हुदैबिया पेपर मिल केस और उसके साथ साथ जो दीगर केसेस हैं जिसमें लंदन फ्लैट्स है, गल्फ स्टील है, उसके मुतालिक सवालात में उन्होंने कहा कि मैं इनको जानता ही नहीं हूं। और मजीद बरा उन्होंने आज जलसे में खिताब में भी ये कहा कि अगर जो दोबारा नून लीग की हुकूमत आती है और आप अगर नून लीग को मुंतखब करवा कर लाते हैं तो वो नौजवानों को नौकरियां देंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, दिन दुगनी चार रात चौगनी जो है वो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था तो उन्हें हटा दिया गया। मुझे समझ नहीं आती, दोनों जमातों का मंशूर उठाकर देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त 2018 के इलेक्शन का जो बयानिया बन रहा है, दोनों जमातों की आपस में बराबरी और जो टक्कर का मुकाबला है वो देखने में आ रहा है। चाह जाए के इस वक्त नून लीग में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है अब अपना रास्ता बदल रहे हैं, नून लीग से पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तादाद में ना सिर्फ नून लीग से ताल्लुक रखने वाले लोग बल्कि आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद थे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट मिलने के आस में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और जो मुसद्दिका इत्तलात हैं ज़राए की, वो ये कहती हैं कि जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो टिकट के वादे पर हैं और उन्हें टिकट दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब के उस एजेंडे पे बात करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि तर्ज हुकूमत वो सबसे पहले बदलेंगे। पहला पॉइंट उनका ये था, खान साहब तर्ज हुकूमत आप कैसे बदलेंगे, आपके साथ वही पिटे हुए मोहरे मौजूद हैं, वही चले हुए घोड़े मौजूद हैं, चले हुए कारतूस मौजूद हैं, वही मैदान है, वही सिपाही हैं, वही जंग आलूद बंदूकें और तलवारें हैं, वही घिसे पिटे नारे हैं और वही चेहरे हैं। आप कौन सी जगह से पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत की तब्दीली की बात करते हैं, आप किस बयान को सामने लेकर और किस बुनियाद को सामने रखकर यह कहते हैं कि हम पाकिस्तान में पहले 100 दिनों में तर्ज हुकूमत बदल देंगे, कैसे? जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप आज अपने साथ समझ रहे हैं बुनियादी तौर पर, हुकूमत वो चला रही है, आपको वो चला रही है, आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे मौजूद हैं, किसी का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो कोई अंदरून सिंध से सामने आ रहा है, आपकी पार्टी में कोई नया चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। नए चेहरों की अगर बात करें तो 10% लोग, जिसमें मुराद सईद और अभी आइंदा आने वाले इलेक्शन में चंद लोगों को आप टिकट देकर उन पर एहसान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल आपके लिए नारे बहुत लगाए हैं। खान साहब, यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये जो 100 दिनों का एजेंडा बनाया है इसकी बुनियाद क्या रखी है, किसी ख्वाब पर, किसी ख्याल पर, किसी ऐसी चीज पर जिसका ताल्लुक दूर दूर तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मसाइल से नहीं है? आप 4 हलकों के लिए बाहर निकले, आपने 4 हलकों को अपने हक में फैसले दिलवाने के लिए आपने धरना दिया, आपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए धरना दिया, आपने मुल्क में गुर्बत खत्म करने के लिए धरना दिया, आपने मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने के लिए धरना दिया, आपने पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बेहतर करने के लिए धरना दिया। पाकिस्तानियों के कौन से मसले को लेकर आज तक आपने एहतजाज किया हो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख में? कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाई देता। किस मुंह से आप सामने आकर बात करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के साथ जो आपकी जाती लड़ाई है, जो जाती अना है, उसको सामने रखकर, और नवाज शरीफ की जो इदारों के साथ लड़ाई है और इदारे अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आप सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, आपका पहला जो मौकिफ है वो तो यहीं पर मुझे फेल होता दिखाई देता है। ना सिर्फ मुझे बल्कि हर बाशऊर पाकिस्तानी को फेल होता दिखाई देता है कि तर्ज हुकूमत बदल देंगे। इतना बड़ा झूठ,
इतना बड़ा बोहतान, इतनी बड़ी फ्लॉप स्टेटमेंट मैंने इससे पहले दुनिया में भी किसी सियासी लीडर को जो सियासी बसीरत रखता हो ऐसी स्टेटमेंट देते नहीं देखा। इससे यह साबित होता है कि यह स्टेटमेंट आपकी नहीं है, आपको फीड किया जा रहा है। आप जो बात करने की सोचते हैं, जो बात करने की आप सोचते हैं, उससे आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है। इससे आगे अगर मैं चलूं तो आप बात कर रहे हैं जो दूसरा हमारा, आप कहते हैं कि इलेक्शन जीते तो सख्त फैसले करेंगे, पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर फलाही रियासत बनाएंगे। आप मदीने के तर्ज की फलाही रियासत की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो हिस्सा जहां पे मजहबी शार की सबसे ज्यादा पाबंदी की जाती है, जहां पे सबसे ज्यादा मदरसे कायम हैं, जहां पे मसाजिद में नमाज की नमाजियों की शरह जो है वो सबसे ज्यादा है, वहां पे आप मदीने की तर्ज की रियासत कायम क्यों नहीं कर सके? वहां तो आपकी अपनी हुकूमत थी, वहां वजीर आला आपके अपने थे, वहां पर तमाम तर आपके एक इशारे पर हो रहा था काम। आपने वहां पर इस्लामी हुकूमत क्यों नहीं कायम की? आपने वहां पर एक फलाही रियासत क्यों नहीं कायम की? वहां पे आपने घर घर दहलीज पर इंसाफ क्यों नहीं फराहम किया? आपने वहां पे हर बच्चे को तालीम क्यों नहीं दी? आपने वहां पे सेहत की सहूलियात क्यों नहीं फराहम की? आपने वहां पे दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की? आप कौन सी फलाही रियासत की बात कर रहे हैं? क्या आपको फलाही रियासत का मतलब पता है? क्या आपको फलाह के हिज्जे पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। फे लाम अलिफ हे फलाह, रे ये अलिफ से तीन रियासत, और हे के साथ छोटी ये लगा दें तो फलाही बनता है। मेरे ख्याल से तो आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा लफ्ज कभी। आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, उसको आइडियलाइज करने की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि आप उस रियासत के जो बुनियादी उसूल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत के जो कवानीन वजा किए थे, आपको उनका पता है? अगर आपको उनका पता होता, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयली जिंदगी का पता होता, उनकी सियासी जिंदगी का पता होता, उनकी जहाती जिंदगी का पता होता, उनकी माशी जिंदगी का पता होता, तो आप इस तरह की बात न करते। ऐसा मजाक, आप अपने आप को कायद कहते हैं, अपने आप को लीडर कहते हैं, तो समझ नहीं आ रही कि एक सियासी बसीरत रखने वाला शख्स इस तरह की बात कैसे कर सकता है। मजीद आपने क्या कहा है जरा इस रिपोर्ट में देखते हैं। पीटीआई के सोरोजा प्लान में मुल्की इस्लाम थे, खुद मुख्तार नैब, लूटी दौलत की वापसी, गैर सियासी पुलिस, जुडिशियल रिफॉर्म्स, टैक्स इस्लाहात, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में एमरजेंसी का निफास समेत दीगर इश्यूज शामिल हैं। जब भी इस पाकिस्तान ने रिवाइव करना है, इसने वापस उसी आइडियल की तरफ जाना है, तो ये जो 100 डेज है ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस रास्ते के ऊपर जिसके लिए ये मुल्क बना था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि मंशूर कुछ नहीं होता, पीछे सियासी विल होती है, मेरी हुकूमत भी चली जाए लेकिन 100 दिन के प्लान पर अमल दरामद करूंगा। इंसानी मुआशरे में इंसाफ होता है, कानून सबके लिए बराबर और रहम होता है। इक्तदार के इब्तदाई 100 रोज हमारी पार्टी के नजरिया की अक्कासी करेंगे। पार्टी का नजरिया वही है जो पाकिस्तान बनाने वालों का नजरिया था। 100 दिन का प्लान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम आते ही सबसे मुश्किल फैसले करना चाहते हैं। जब आप पावर में आते हैं तो आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो उस टाइम पे आप सबसे मुश्किल फैसले करें जो रिफ्लेक्ट करें कि आपका किबला क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं। ये बेसिकली डायरेक्शन बता रही है कि पार्टी किस तरफ जा रही है। इमरान खान का कहना था कि 100 दिन प्लान का मकसद है कि पॉलिसियों को तब्दील करें। खुद पर इतना कर्जा हो गया है कि कोई हुक्मरान बताए ये कैसे उतरेगा। गुज़िश्ता 5 सालों में 21,000 ट्रिलियन कर्जा लिया गया, हुकूमत ने मुल्क को मकबूज कर दिया और कर्जा अदायगी की साहियत भी खत्म कर दी। 10 सालों में 6,000 अरब 6 ट्रिलियन रुपए से 27 ट्रिलियन पे पाकिस्तान का कर्जा पहुँचा है। 60 साल की तारीख में 6,000 और पिछले 10 सालों में 21,000 मजीद और कर्जा लिया। तो ये जो पैसा लिया है, कौन मुझे आज लॉजिकली बता सकता है, कौन सी हुकूमत बता सकती है कि ये कर्जे कैसे वापस करेंगे? वो ये दो हुकूमतें हैं जिन्होंने ना ये कर्जे चढ़ाए, जिन्होंने मुल्क में कैपेबिलिटी खत्म कर दी है कि हम ये कर्जे वापस करें।
چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 2013 میں ہمیں وفاق میں حکومت مل جاتی تو شاید یہ سیکھ نہ پاتے جو ہم نے 5 سال تک خیبر پختونخوا حکومت میں سیکھا ہے۔ 22 سال میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم الیکشن میں اتنی تیاری سے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن میں جا رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک تو ہم یہ جو 100-day پلان ہے یہ اور اس کے علاوہ پورا منشور، ایک ہمارے پاس ایک پروونس کو گورن کرنے کا 5 سال کا تجربہ ہے اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپیرینس ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پالیسیوں کو اثر نو ترتیب اور بیوروکریسی کو غیر سیاسی کرنا ہے، ہم نے ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے۔ کسی بھی ادارے میں جب سزا اور جزا ختم کر دی جاتی ہے تو ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے سول سروسز کی اصلاحات کرنی ہے، ہم نے یہاں کی گورننس سسٹم ٹھیک کر لی تو بیرون ملک سے اوورسیز پاکستان کام کرنے آئیں گے، ہم نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور ایک جملے کو میں لے لیتا ہوں کہ ہم بیوروکریسی کو غیر سیاسی بنائیں گے، کیا خیبر پختونخوا میں آپ نے غیر سیاسی بنا دیا؟ اگر غیر سیاسی آپ نے بنایا تو فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بے شک آپ سیاسی ریشو رکھیں سامنے، لیکن کیا مجھے اس سوال کا جواب دیں گے آپ عمران خان صاحب کہ بیوروکریسی کے بغیر یہ ملک چل سکتا ہے اور بیوروکریٹک مافیا ہے جو، اس کے بغیر آپ خیبر پختونخوا چلا سکے؟ اگر وہ مافیا طاقتور نہ ہوتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر پاتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ اپنی اگلی گورنمنٹ بنا سکیں گے؟ آپ کون سی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنے کی بات کریں، سول اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ آپ کے پیچھے کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے؟ آپ کس طرح کی یہ کیسے آسانی کے ساتھ یہ بات کر گئے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا حق نہیں ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں، کیونکہ مدارس کو فنڈنگ آپ کی گورنمنٹ نے کی ہے، آپ نے خود کی ہے مدارس کو فنڈنگ، آپ خود بذات خود انوالو رہے ہیں ان چیزوں میں۔ آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ فاٹا میں اور خیبر پختونخوا میں جو مدارس موجود ہیں وہاں پہ آپ کتنی تعلیمی اصلاحات لے کر آئے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کتنے مدارس رجسٹرڈ کیے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ کتنے مدارس میں آپ جدید نظام تعلیم لے کر آئے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ کتنے مدارس میں آپ کمپیوٹر لیبز لے کر آئے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ کتنے مدارس میں آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی طرز پر یا اعلیٰ تعلیم یافتہ جدید علوم کے ماہر جو اساتذہ ہیں آپ نے ان کو تعینات کیا ہے وہاں پہ؟ آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنے امام مسجد جو ہیں ان کو آپ نے رجسٹرڈ کیا ہے حکومت کے پیرول پر لے کر آئے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ کتنے مساجد میں آپ نے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، جدید کو چھوڑ دیں، پاکستانی نظام تعلیم کو وہاں پہ آپ نے اسٹیبلش کروایا ہے، وہاں پہ نافذ کروایا ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ کتنے بچے ہیں مدارس کے جو وفاق المدارس کا امتحان تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ کا یا پشاور بورڈ کا یا خیبر پختونخوا کے جو مختلف شہروں کے بورڈز ہیں وہاں کے امتحان بھی دے رہے ہیں اور اس کے پیرلل ہی جو میٹرک ہے، انٹر ہے، بی اے ہے، ایم بی اے ہے، ایم کام ہے، پری میڈیکل ہے، ایم بی بی ایس ہے، انجینئرنگ ہے، جو بھی ہے جدید ترین علوم سے استفادہ کرنا جو ہے وہ بچے کر رہے ہیں۔ یہ سوال اپنے آپ سے آپ کریں کہ آپ نے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی کتنی سکروٹنی کی ہے؟ آپ ایک دم سے 100 days کا پلان لے کر آئے ہیں، آپ کون سی قوم کو آپ خواب دکھا رہے ہیں؟ کون سے نوجوانوں کو آپ پاگل بنانے کے چکر میں ہیں؟ آپ نے پہلے سرخ پاسپورٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا، پورے قوم کو آپ نے بیوقوف بنایا، اس کے بعد آپ کرپشن 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 کی بات کر کے 4 حلقوں کے لیے آپ سڑک پر آ گئے۔ آپ کسی ایسے اینکر کو انٹرویو دینا پسند ہی نہیں کرتے جو آپ سے حقائق کے اوپر مبنی سوال کرے، کیونکہ اگر یہ سوال میں کروں گا آپ سے کہ آپ نے ان مسائل کے خاتمے کے لیے کیا کیا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے شاید مجھے نون لیگ نے بھیجا ہے، میں نون لیگ کے پیرول پہ ہوں، یا شاید میرا نون لیگ سے کوئی سیاسی وابستگی ہے، یا میں ان سے جذباتی سطح پہ وابستہ ہوں، یا میری ان سے کوئی ایفیلیشن ہے۔ خان صاحب، سب لوگ، سب اینکرز ایک جیسے نہیں ہوتے، سب صحافی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی درد دل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کو پاکستان سمجھتے ہیں، کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی طرح اپنے فارم ہاؤس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے شام کو ٹھنڈی ہوا کا مزہ نہیں لیتے بلکہ غریب لوگوں کے پاس جا کر ان کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو کیمرے کے ذریعے یا اپنے قلم کے ذریعے اخبارات کی زینت بناتے ہیں اور اقام بالا کی تک ان کی توجہ دلاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، نہ صرف آپ کے پاس بلکہ پاکستان کے کسی حکمران کے پاس ایک سچے سوال کا جواب دینے کی کوئی کسی بھی قسم کی تاویل موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ جھوٹ کی بنیاد پہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جدید پاکستان کا نقشہ
खींचूं या कदीम पाकिस्तान का नक्शा खींचूं, मार्शल लॉ वाले डिक्टेटरशिप वाले पाकिस्तान का नक्शा खींचूं, या हमारे ये जो कमजोर जमहूरी हैंग पार्लियामेंट्स आ रही हैं और हमारे सियासतदानों के साथ जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान है, जमहूरी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, इसका नक्शा खींचूं। मुझे तो हर तरफ पाकिस्तानी अवाम ही डिग्रेड होती दिखाई दे रही है। और अब आपने जो 100 डेज का प्लान, उसमें एक और मजाका खेज बात कि 50 लाख घर बनाए जाएंगे। कहां पर बनाएंगे आप 50 लाख घर और क्यों बनाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आपने कितनी गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम्स जो है वो मुतारिफ करवाई हैं? खैबर पख्तूनख्वा में आपने कितने गरीब लोगों को मकान बनाकर दिए हैं? खैबर पख्तूनख्वा में हर साल आने वाले सैलाब के बाद जो घर बह जाते रहे हैं, आपने कितने लोगों को उनकी छतें वापस की हैं? खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जो दहशतगर्दी का शिकार हुए, उनमें से कितने लोगों को उनकी ज़मीनें वापस की हैं, उनके रोज़गार उन्हें वापस किए हैं, उनके बच्चों की तालीम के अखराजात आपकी हुकूमत ने उठाए हैं? ये वो सवाल हैं जिसके लिए किसी पार्टी से एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देते हुए आप और आपके साथ जो जुड़े हुए जो चले हुए कारतूस हैं वो जवाब देने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ड्रामा जो नया क्रिएट किया गया है आपकी सूरत में, उसको किसी ना किसी तरह से पाए तकमील तक पहुंचाना है। और यह कौम तो है ही बेवकूफ। यह जहन में रहे कि आपने 2014 में जब धांधली का एक शोर मचाया, कौम आपके पीछे आके खड़ी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि एक ट्रू लीडर सामने आया है, क्योंकि आप मजलूम थे उस वक्त। लेकिन अब गेम बदल रही है, अब सिचुएशन चेंज हो रही है। पाकिस्तानी अवाम कभी भी हक और सच का साथ नहीं देती खान साहब, पाकिस्तानी अवाम सिर्फ मजलूम का साथ देती है। और अब की बार आपने खुद किसी और को मजलूम बना दिया है, और वो मजलूम बड़े मजलूम चेहरे लेकर और बड़ा मासूम चेहरा लेकर अब जगह जगह पहुंच रहा है। और आपको पता है कि मजलूमियत का यह तीर चल चुका है और आपके पल्ले कुछ नहीं आना। तीर चलाने वाले की जानिब भी मैं बात आऊंगा और मियां नवाज जानिब आऊंगा और मियां नवाज शरीफ साहब से मैं सवाल करूंगा कुछ जैसे सवाल मैंने आपसे किए हैं, क्योंकि ना मेरी आपके साथ सियासी वाबस्तगी है, ना जज्बाती वाबस्तगी है, ना मियां नवाज शरीफ के साथ है, ना मेरी जरदारी के साथ है, ना किसी और पाकिस्तानी सियासतदान के साथ है, क्योंकि आप सब लोग पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामे के साथ खुश करने वाले लोग हैं। और पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये खुद आप सबको लेकर ये इतने फ्री लोग हैं, इनके पास इतना वक्त है कि ये आपकी जो फजूल बातें हैं उसको डिस्कस करने के लिए एक चाय के कप पे 4 घंटे लगा देते हैं। और जो कौम इस तरह कर रही हो उसके ऊपर आप जैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होने चाहिए। और इस वक्त सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए सेनेटर असद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। 100 डेज प्लान सामने आया खान साहब का, सबसे पहला जो उनका नुक्ता था जिस पे मैंने काफ़ी देर बात भी की है और बिना किसी एफिलिएशन के बात की है, मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से है, वो ये कि उनका ये कहना है कि हम तर्ज़ हुकूमत बदल देंगे। तर्ज़ हुकूमत असद साहब बताइएगा कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि इदारे तो वही हैं, इदारों को तो चेंज करना पाकिस्तान में नामुमकिन है। देखिए, ये फिर एक पुराना प्लान को नए बोतल में बंद करके वापस लेके आ रहे हैं इधर। और प्लान ए तो इन्होंने 90 दिन का दे दिया, प्लान बी नहीं दिया कि इलेक्शन के फौरन बाद ये फिर धरने नहीं देंगे, ये फिर 4-6 हलकों की बात नहीं करेंगे, ये फिर पंक्चर की बात नहीं करेंगे और ये फिर धरने नहीं देंगे सही और इल्जाम की बारिश नहीं करेंगे। ये इनका प्लान ए और बी दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अवाम इनकी तर्ज हुकूमत देख चुके हैं केपीके में, अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिसे लोग कह सकें कि इन्होंने डिलीवर किया या तर्ज हुकूमत बदली हो। सही असद अशर साहब, अगर ये 100 डेज प्लान को सामने रखा जाए और इसका लुबे लुबाब सामने लाया जाए, तो आप नहीं समझते कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जो वर्डिंग है वो तो खान साहब की कभी रही ही नहीं है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि इनको यही पता नहीं होता कि इन्होंने सुबह क्या किया कहा और शाम को क्या कहा। इनकी सियासत में अगर मियां नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं रह सकता, कोई प्लान नहीं है। ये 100 दिन की बात करते हैं, जो बच्चा पैदा होता है ना उसको बड़े होने के लिए टाइम चाहिए होता है, माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट के लिए। 100 लोग भी मिलके उसे खींचे ना तो उसे जवान नहीं कर सकते। इन बेचारों ने क्या करना है, ये इनएक्सपीरियंस है, ये सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की बात करते हैं और इन्हें लोगों के मसाइल का कोई इदराक नहीं है।
और ना इनके पास कोई प्लान है। सही, अभी इन्होंने बड़ा दावा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख अफराद को घर बना के देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा दूर ना जाएं, लास्ट ईयर भी जो सैलाब आया था उसमें जो इन लोगों के घर बहे, उन बेचारों को अभी तक छतें वापस नहीं मिल सकी। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ जाके सारा इनके करतूत जो हैं हुकूमत के वो लोगों को बता दिए, और ये भी उसी तरह दावा कर रहे हैं 5 लाख करोड़ का, जिस तरह 1 बिलियन ट्रीज का किया है, जिस तरह इन्होंने सैकड़ों डैम्स का किया है, और इसी तरह के ये हैं। ये हमारी चीज़ें कॉपी करते हैं, या आशियाना स्कीम को नाम दे के घरों का खाने। आप देखें, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी 5 से 6 हज़ार एवरी डेली की ये नौकरियां देंगे। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, आपकी बात काट रहा हूँ भाई माजरत के साथ, सवाल ये भी पैदा होता है कि केपीके में इन्होंने कितने पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दी हैं मेरिट पर, क्योंकि ये मेरिट की बात करते हैं। देखिये, सब कुछ आपके सामने है, और लोग जो है इसी चीज को सामने रख के जुलाई 2018 में वोट देंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। और इनके झूठे दावे जो हैं, मैंने जैसे कहा ना कि अगर इनके सियासत में नवाज शरीफ और उन पे इल्जाम को निकाल दिया जाए तो इनके पास क्या रह जाता है? सही सही, इनकी सियासत खत्म हो जाती है। सही, कोई विजन नहीं है, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, इतने लाख घर बना देंगे तो ये तो वही कॉपी कर रहे हैं। मोटरवे नहीं बनाएंगे, मोटरवे बना रहे हैं। मेट्रो नहीं करेंगे, जंगलाबाद से जंगलाबाद बना रहे। पहले कहते थे 70 अरब, अब जब फिगर हम कहते थे 29 अरब तो ये 70 अरब कहते थे, आप खुद 30 अरब कह रहे हैं। तो इनकी तो किसी बात पे भी कौम को जो है वो ऑथेंटिसिटी इनकी एक्सटेक है। सही, बहुत शुक्रिया सेनेटर असद अशरफ साहब, हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सारी सूरत हाल कर रहे थे। बात अब कुछ आगे भी बढ़ेगी, कुछ मजीद नुकात पर भी बात करूंगा। खान साहब ने 100 नुकात जो है वो पेश किए हैं, 100 नुकात पे 1000 सवाल मेरा है, 1000 सवाल हर पाकिस्तानी का है जो बाशऊर है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज बातें की हैं, उन बातों के जवाब में भी उतने ही सवाल सामने हैं। आखिर को हम इस आजाद मुल्क का हिस्सा हैं, और पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं, और इन्हीं लोगों को हम वोट देकर इक्तदार में लाते हैं, तो फिर हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और सारी सूरत हाल पे अगर बग़ौर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात सामने आती है कि जिन नुकात को लेकर खान साहब ने बात करने की कोशिश की है, वो नुकात जो है खैबर पख्तूनख्वा में हमें इम्प्लीमेंट होते नहीं दिखाई देते। बात ये होती है, मिसाल आप उस चीज़ की दें जिस मिसाल पे आप जो काम आपने खुद किया हो और उस पर पूरे उतर रहे हों। बात अब यहाँ पर ये आ रही है कि आप मिसालें वो दे रहे हैं जिनके साथ आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, आप वो काम करने की सोच रहे हैं जो काम आपने खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में नहीं किए। आप ये समझते हैं, आपने ये बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा 5 साल हुकूमत का तजुर्बा है, इसलिए अब हम मरकज में हुकूमत भी चला लेंगे। आपका अगर खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल हुकूमत का तजुर्बा होता तो आप इस तरह का जो मजहका खेज किस्म का 100 डेज का प्लान है ये ना देते, आप कौम के साथ मजाक ना करते, आप जरदारी को बुरा कहते हैं, आप नवाज शरीफ को बुरा कहते हैं। जरा खान साहब अपने गरीबान में भी झांकें, और ये जो आपने 100 डेज का, मैं आई एम प्रीटी श्योर कि ये 100 डेज का जो प्लान बना है ये आपने खुद उस वक्त पढ़ा होगा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे होंगे, उससे पहले आपने बिल्कुल इसके किसी नुकात पे किसी चीज पे कोई बात नहीं की होगी, क्योंकि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो चीजें डिस्कस करने की बात की गई है, उनसे आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसे आपने यहां ये कहा कि हम जनूबी पंजाब के महरूम इलाकों में इक्तिसादी पैकेज देंगे, आप जनूबी पंजाब के महरूम इलाकों में इक्तिसादी पैकेज की बात करते हैं तो आप फाटा, वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे आपने कौन सा जो है महरूमी दूर करने की कोशिश की है, वहाँ पे आपने कौन सा इक्तिसादी पैकेज दिया है? वहाँ पे जितना काम कर रही है वो फौज कर रही है, क्योंकि उस इलाके को दहशतगर्दी से पाक कर रही है। अब आपके सामने एक सवाल या आप एक बात ये बहाना बना देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार होने वाला सूबा है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दें, कराची क्या सबसे ज़्यादा टारगेट नहीं हुआ, सिंध क्या
सबसे ज्यादा टारगेट नहीं हुआ, क्या बलूचिस्तान सबसे ज्यादा टारगेट नहीं हुआ, क्वेटा में अब भी सबसे ज्यादा जो है वो हमें टारगेट किलिंग और उसके साथ खुदकुश हमले और धमाके देखने में नहीं आ रहे, क्या अब भी बलूचिस्तान में से दहशतगर्दी खत्म हो गई है? खैबर पख्तूनख्वा में तो दूर दूर तक उसका अब नामो निशान नहीं है। आप फाटा फाना और जो दीगर इलाके हैं उनको छोड़ दें, आप हजारा वाली साइड पर आ जाए, वहां पर आपने कौन सी डिवेलपमेंट की है? आपने कहा कि हम 4 नए सियाहती पॉइंट्स देंगे, कौन सी जगह से आप देंगे? चित्राल आपके पास मौजूद था, उसको आपने कैश नहीं करवाया। कैलाश वादी आपके पास मौजूद थी टूरिज्म के लिए, आपने उसको कैश नहीं करवाया। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप मजीद आगे बढ़ें तो हमारे पास कागान जैसा स्पॉट मौजूद था, नारान जैसा, शुगरान जैसा, सिरीपाए जैसी खूबसूरत हमारे पास पूरी वादी कागान मौजूद है जो दुनिया भर में जन्नत नजीर वादी समझी जाती है, आपने उसको कैश नहीं करवाया। लेकिन अब आके अब इस पर बात करते हैं तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, 100 डेज प्लान सामने आया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें नजर नहीं आते। चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा है कि मसलन क्या नजर नहीं आया। देखें, आपने 50 लाख घर बनाने की बात की है, आपने खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी पॉलिसी दी है ऐसी? नहीं, ये फेडरल हाउसिंग की पॉलिसी। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है चौधरी साहब। ये फेडरल हाउसिंग स्कीम की है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये नहीं है। वहाँ पे जो मामला थे पहले, वो वॉर टॉर्न एक सूबा था, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर चाहिए होता है सूबों को, और इस तरह के जो बेसिक मामला है तालीम एजुकेशन वो सूबाई काम है, पहले हाउसिंग जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल में इंशाल्लाह। चलें लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखा जाए तो अभी तो फौज वहाँ पे सारी चीजें संभाल रही है, देख रही है। जितना खैबर पख्तूनख्वा टारगेट हुआ उससे ज्यादा तो बलूचिस्तान अब भी टारगेट है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने ही रखता हूँ, जिन लोगों के सैलाब में घर बहे, जो सैलाब में बर्बाद हुए पिछले सालों में, वो बेचारे अभी तक रिलीफ के लिए मुंतजिर है, उनको अभी तक जो है वो सेटलमेंट नहीं हुई? नहीं, तमाम लोग जिनको रिलीफ में मसला था उनकी सेटलमेंट हो चुकी है। अगर किसी एरिया में कोई जगह के ऊपर है तो मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह उस लड़के को दिलाऊंगा। उसके साथ साथ चौधरी साहब, आप ये समझते हैं कि जो 1 करोड़ नौकरियों वाला मामला है वो कहीं कोई मजाक तो नहीं है, क्योंकि कौम ने तो यकीन कर लेना है? इंशाल्लाह अगले 4 दिनों में उसका एक पूरा डिटेल पेपर आएगा, जिसमें आपको बताएंगे कि वो कैसे रिवाइव होगा और हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या होगा और कैसे 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। ठीक है, और अगर बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं आती तो फिर इस सारे फ्लैम को, सारे जो प्लान आपने खान साहब ने दिए हैं, इसको दोबारा से कहीं रिवाइव किया जाएगा, कहीं एडजस्ट किया जाएगा? नहीं, तो हुकूमत नहीं आएगी तो नहीं करेंगे, तो ये तो हुकूमत के सही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन भी हैं और उन नुकात पर जो है वो बात कर रहे थे जिनसे, जिन पे बात करने की कोशिश की है। और हसब मामूल एक सियासी बयान जो हमें देखने में आता है कि यहाँ पर अगर काम नहीं हुआ तो आप निशानदही करें, हम जो है उसको करने की कोशिश करेंगे। जब आप इतने बड़े दावे के साथ आते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के सामने साथ आप सामने आते हैं और आप कहते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उससे पीछे आपका बैकग्राउंड भी देखने की जरूरत होती है। और बैकग्राउंड में जब कोई चीज नजर आए उसको दिखाने की कोशिश की जाए तो यह कहा जाता है कि आप इसकी निशानदेही आपने की है, हम इस पर करेंगे। हमने निशानदेही की, हमारा फर्ज है, हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी निशानदेही के ही आप लोग हमेशा मुंतजर क्यों रहते हैं? इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों की बात नहीं है, इसमें पूरी पाकिस्तान के सियासतदानों की बात है। हमेशा सियासतदान जो है वो हमेशा जब भी सहाफत की जानिब से, चाहे वो अखबारी सतह हो, चाहे वो टीवी जर्नलिज्म का हो, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का मामला हो, तो उसमें आकर सिर्फ और सिर्फ जब किसी चीज की निशानदेही की जाए तो ये कहा जाता है कि आपने निशानदेही की है, बड़ा अच्छा है, इस मीडिया को, इस मामले को आपने मीडिया पर उठाया है, हम इन शिकायात को अब दूर करने की कोशिश करेंगे। शिकायात दूर करने का मामला, इसका मतलब यह है कि आपका अपना मैनेजमेंट सिस्टम जो है वह बहुत कमजोर है, आप उस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। आपको जो कुछ लिखकर दे दिया गया कि ये सब ठीक हो गया, लकीर के फकीर की तरह आपने मान लिया। अब इसमें बहुत सी और बातें भी हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर अब यहां पे एक और जो है मजदूरों की हिफाजत के लिए लेबर पॉलिसी शुरू करेंगे। वफाक का जहां तक मामला है तो फिर 18वीं आइनवी तरमीम के तहत जो इख्तियारात हैं वो सूबों को किस लिए मुंतकिल किए गए हैं? सूबों को इसीलिए मुंतकिल किए गए हैं कि जो बुनियादी मामलात हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी सतह हैं, जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, वो डोर टू डोर जो है वो पहुंचाए जाएं लोगों तक।
इसीलिए अख्तियारात सूबों को दिए गए हैं कि पहले वफाक के पास होते थे तो लड़ाई पड़ी रहती थी कि वफाक हमें ये नहीं दे रहा, वफाक हमें ये नहीं दे रहा, वफाक हमें वो नहीं दे रहा। अब जब सूबों के पास मामलात आए हैं तो उसके बाद जब क्वेश्चन किया जाए तो ये वफाक का मामला है, सेंटर में आने का मामला है, यानी आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, वो वाला मामला है। तो उस मामले को अगर देखा जाए तो फिर जिस तरह 2013 के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ ने एक प्लान दिया था जिसमें सरे फहरिस्त था कि लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी पाकिस्तान से, और आज भी लाहौर के पोश तरीन इलाकों में 6-6, 7-7 घंटों की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। दहशतगर्दी खत्म कर दी जाएगी, कहां पे खत्म की? पाकिस्तान का तशख्खुस आलमी सतह पर बहाल कर दिया जाएगा, कहां पे बहाल किया? उसके साथ साथ रोजगार दिया जाएगा, कौन से रोजगार के मौके दिए हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने? इसी तरह अगर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और इस 100 डेज प्लान को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज के 2013 के प्लान से ये प्लान हमें कुछ मुख्तलिफ नहीं दिखाई देता, और वो भी एक लतीफ़ा था और ये भी कुछ ऐसा ही लतीफ़ा दिखाई दे रहा है। सो मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करके ये बात कहकर आगे बढ़ना चाहूँगा अपने तमाम जो मेरे सुनने वाले देखने वाले जो मुझे दोस्त देख रहे हैं, गुजारिश ये है कि वोट आपका है, तासुब से बालातर होकर कि मैं पीटीआई को बुरा कह रहा हूं, मैं नून लीग को बुरा कह रहा हूं तो आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को बुरा कह रहा हूं तो आप पीटीआई को वोट देंगे, मैं किसी और जमात को बुरा कह रहा हूं तो आप नून लीग को वोट देंगे, इस चीज से हट के खुदारा पूरे सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि ये एक वोट नहीं होता, आइंदा 5 सालों की आपके जो आपकी किस्मत होती है ये उसका फैसला होता है जो आपके हाथ में होता है, और अब आप अपने हाथों से नाअहल लोगों को मुंतखब करवाकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब इस वक्त मौजूदा सियासी निज़ाम में आपका ये कहना है कि कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ मुबाहिस जब किए जाएँ, मुख्तलिफ मुबाहिसों में मेरी शिरकत होती है, मुख्तलिफ लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो जब इजहार ख्याल की नौबत आती है, जब आपस में एक्सचेंज ऑफ थाट्स होता है, तो ये बात सामने आती है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, यानी हम मौजों की तलाश में हैं, कोई आसमान से उतरेगा, हमारा हाथ थामेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का जरा सा ख्याल ना हो तो खुदा भी उन कौमों की तकदीर नहीं बदलता। सो अभी हमें यह सोचने की जरूरत है, जो अल्टरनेट कयादत है, जो नई कयादत है, जो नया खून है, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा, वो भी हमने लेके आना है, वो हम में से ही होगा। अगर हम इस जानिब तवज्जो नहीं देंगे, हम इस जानिब बात नहीं करेंगे तो किसी और ने आकर नहीं करनी। आज तहरीके इंसाफ ने 5 साल ज़ाया किए, कल नून लीग आकर तहरीके इंसाफ के 5 साल ज़ाया करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब पहले ही प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं, कल को वो सड़कों पर होंगे, कल को वो धरने दे रहे होंगे, कल को वो ये इशू बना लेंगे कि मुझे ना अहल इसीलिए करवाया गया था कि प्री पोल रिगिंग की जाए, कल को उनके पास ये बुनियाद होगी कि मुझे इसीलिए पाकिस्तानी सियासत से बाहर किया गया था कि खुलकर खेला जाए और नून लीग को खुडे लाइन लगाया जाए। जब इस तरह की बातें पहले से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, पहले ही से एक खिचड़ी तैयार हो, पहले से ही आपका सारा कुछ बन चुका हो, तो फिर आप किस से अच्छे की उम्मीद रखेंगे? आप कैसे कह सकेंगे कि पाकिस्तान से मुखलिस लोग आ रहे हैं? आप कैसे कह सकेंगे कि आईने पाकिस्तान को समझने वाले और सही मानों में पाकिस्तानी हुकूमत तक, पाकिस्तानी अवाम तक डिलीवर करने वाले लोग आ रहे हैं? ये मेरा कोई जज्बाती यहाँ पे इस किस्म का भाषण नहीं है, ये उन लोगों की सोच है, ये उन लोगों की बातें हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। ये उन पाकिस्तानी नौजवानों की बात है जो बहुत टैलेंटेड हैं और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। आप यहाँ देखिए कि हमारे एक पहलवान गुजरांवाला के गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं कॉमनवेल्थ में, आज उनका कहीं कोई नाम नहीं है। कौमी हीरोज को हमने सबूतास करके रख दिया है, और हम उन लोगों को पूछते हैं, हम उन लोगों को इज्जत देते हैं जो आए दिन टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर, आए दिन अवामी इज्तमात में बैठकर पाकिस्तानी अवाम को डिग्रेड करते हैं, हमारे इशूज को टारगेट करने की बजाय, उनको सॉल्व करने की बजाय अपने घर भरने में लगे रहते हैं। आज मैं देखता हूं कि 4 साल तक जो सड़कें टूटी रही जौहर टाउन तक की, वो आज दोबारा से खुदना शुरू हो गई हैं, और कई सड़कें तो ऐसी हैं जो कई दिनों से खुदी पड़ी हैं, और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान की वजह से अब काम पेंडिंग है और जल्दी जो वहाँ के मुकामी MNA हैं और MP हैं वो इस सड़क को मुकम्मल करके इसका इफ्तिताह कर देंगे। क्या मतलब मक्खी पे मक्खी मार के उसका इफ्तिताह करना और ये कहना कि हम भी शहीदों में शामिल हो गए हैं, ये कहाँ का इंसाफ है?
ये कहाँ की डिलीवरी है आवाम की, ये कहाँ से आप अपने आप को पाकिस्तान के साथ मुखलिस साबित करने की बात कर सकते हैं। सो ये बातें ऐसी हैं जिनको अगर मैं करने बैठूं और इन चीज़ों को लेके बैठूं तो शायद मैं बोलता ही चला जाऊं और ये टॉपिक्स खत्म ना हो। मुझे ब्रेक की जानिब भी बढ़ना है और ब्रेक से पहले मैं सिर्फ एक दो छोटी बातें जो है वो मैं करता चलूं। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि अगर खान साहब, मैंने उनके 100 डेज प्लान का जायज़ा लिया, उस पे जो सवालात मुझ तक आए वो मैंने जो है वो आप तक पहुंचाए, जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स था मुख्तलिफ दानिश्वर हजरात के साथ, जो नौजवानों के साथ, वो आप तक पहुंचाया। इन 100 डेज प्लान को सामने रखकर दो बातें सामने आती हैं, या तो खान साहब को पहले ही ये समझा दिया गया है, बता दिया गया है, ये श्योरिटी करा दी गई है कि गवर्नमेंट आपकी है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर इस बात का क्या, इस बात का क्या जो है श्योरिटी होगी कि वो इस 100 डेज प्लान को जो है वो मुकम्मल कर सकेंगे। आयतुल्लाह दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब के 100 डेज प्लान को लेकर आज मैं प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। एक आम सियासत और सहाफत के तालिब इल्म होने के नाते दुरानी साहब, आप तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव नशेब व फराज आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, लेकिन मुझ जैसे नौजवान जो अभी इस खारजार में कदम रख रहे हैं, हमें इस 100 डेज प्लान की समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस पे इंप्लीमेंट करेंगे अगर उनकी हुकूमत आ जाती है। देखिए, मफरूजे की बुनियाद पर सियासी इलेक्शन से पहले उसने अपने को एक फर्ज कर लिया कि वो कामयाब वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी पार्टी को लेकर आ रहे हैं। ये तो एक स्लोगन है उसका। देखना यह है कि क्या 177 का वो हाल जो 177 उसको चाहिए अपने पार्लियामेंट को चलाने के लिए, तो उसकी पोजीशन बन सकती है, जो कि इस वक्त तक उसको कहीं नजर नहीं आ रहा है। मतलब उसको बलूचिस्तान में से कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिंध में कहीं नजर नहीं आ रहा है, पंजाब के इंटीरियर में कहीं नजर नहीं आ रहा है, KPK में उसकी पोजीशन बिल्कुल दिगरगुन है, लाहौर शहर में इसकी हालत वो नहीं है। नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ माइनस तो नहीं हुआ है ना, नवाज शरीफ तो अवेलेबल है, मार्केट का चीज तो है ना, तो अब इसमें से थोड़ा सा उसका काट चाट हो जाएगा ना। तो जो 60-70 अराकीन के साथ अगर वो आ जाएगा, क्या नाम है इसका, इमरान खान साहब, तो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? सब अफराद तो उसको मुख्तलिफ और ख्याल मुख्तलिफ और आसाब के लोग मिलेंगे, और उस आसाबी जंग में वो कैसे अपने आप को क्लियर करेगा, पाकिस्तान के सामने कैसे लेके आ जाएगा? मतलब MQM आ रहा है, उसकी अपनी एक शिनाख्त है, तो जो बलोचिस्तान के लोग आएंगे उनकी अपनी जरूरत है, KPK के पश्तून आ जाएंगे उनकी अपनी जरूरत है, फेडरल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की गुफ्तगू हो रही है ना। ये KPK की हुकूमत तो नहीं है कि जिसमें से आप बिल्कुल आज़ादी के साथ काम कर सकेंगे, वहां भी नहीं कर सका। तो फेडरल तो एक ऐसी कॉम्प्लिकेट किस्म का है जहाँ पर तमाम खारजा पॉलिसीज हैं, जहाँ पर दिफाई पॉलिसीज हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट है, जहाँ पर तजारत है, ताल्लुकात आमा है, जिसका उसको किसी दूर दूर तक एक्सपीरियंस नहीं है। खान साहब ने कहा है कि 50 लाख अफराद को घर बनाकर देंगे, तो आपने KPK में कितने लोगों को घर बना के दिए? वहां पे तो लोगों को सैलाब से अभी तक रिलीफ नहीं मिल सकी, तो उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट जो है ये फेडरल का है। अगर फेडरल का ये सब्जेक्ट है तो फिर 18वीं आईनी तरमीम किधर गई? नहीं, देखिए, ये तो मैंने आपको कहा कि तसव्वुराती शायरी है, तो तसव्वुराती शायरी को तो आप इस वक्त कह सकते हैं कि उसके सामने लोग गाना गा गवैये जो ना नाचे और बांसुरी बजाए, लेकिन ये सब्जेक्ट तो फेडरल का नहीं है, ये सूबे का है। रोटी कपड़ा मकान को सूबों तक शिफ्ट किया गया, फेडरल तो मुबर्रा है, फेडरल के पास एक अमन आमा है जो कि मुल्क का दिफा है, फेडरल के पास इसकी अपनी करेंसी है और एक खारजे पॉलिसी है, जो कि इलाकाई तौर पर अगर देखा जाए तो सूबों के करीब करीब ममालिक के साथ अपने अपने ताल्लुकात होते हैं। जैसे शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान के साथ और नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को जिंदगी भर के लिए रखा, तो वो मुबर्रा थे, पाकिस्तान के खारजे पॉलिसी से हट करके उनकी एक खारजे पॉलिसी रही। पंजाब के तुर्की के साथ भी उनकी जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, लाहौर के ताल्लुकात दिल्ली के साथ बिल्कुल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अलग खारजे पॉलिसी दे दिया था। इसी तरह वो सूबाई हुकूमतों के हदूद में वो डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनके अलग अलग पोजिशन हो जाते हैं। बलूचिस्तान का ईरान के साथ हदूद में अलग है, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल अलग है, KPK का अफगानिस्तान के साथ अलग है, गिलगित और बलूचिस्तान में चले जाओगे तो चीन के साथ उस बॉर्डर पर अलग एक पोजीशन है। फेडरल के
अमरेला के अंडर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनको रिलीफ दिया जाता है डिप्टी कमिश्नर के हदूद में। सही सही। अब ये कहते ना कि मैंने इतने लाख, हाँ घर बिल्कुल हक है, और ये है बेनजीर भुट्टो का विजन जो उसने उस वक्त शुरू किया था, और उन्होंने आकर के ऐलान भी किया था। मुझे याद है कि शहादत से एक हफ्ता पहले जो हमसे मुलाकात हुई, वहां उसने कहा था कि मैं 20 लाख घर बना करके लोगों में और उन औरतों को तकसीम करूंगी कि जिनके जिनके पास गुजारा नहीं हो रहा है इस वक्त घर का, वो उसी के सर्कल में घूमना चाह रहे थे। ये वही विजन है जो मुहतरमा का था, जिसका भी पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर कह के सर बनाया। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा उन तमाम चीजों, क्योंकि जमीन होंगे वहां पर सूबे का, और सूबाई हुकूमतें जब अपनी जमीन को नहीं देंगे, जैसे कि शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को या वजीर आजम केलानी को रिसीव नहीं कर रहा था, ऐसे ताल्लुक जब सूबों के दरमियान होंगे मरकज के, तो वो कहाँ से उस सूबे को जाकर के फेडरल गवर्नमेंट देगा। बिल्कुल। अपने पूरे पूरे फेडरल गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब अपने बसे चलाते रहे, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ नहीं दे सके, ऐसे को भी नहीं दे सके ना। देखो अगर अगर फेडरल गवर्नमेंट की चीजें होती तो बस ट्रेन का जो बस का सर्विसेज देना वो फेडरल गवर्नमेंट उठा करे, पंजाब केपी को के देता, केपी के आखिर में मजबूर होकर के इसके काफी चीज सूरत में चला गया। तो जो इमरान खान साहब आएंगे वो देखना ये कि उस वक्त वो अपने पोजीशन को इस पूरे बगदड़ के माहौल में जहाँ पर खींचा तानी बहुत ज्यादा होगी नजरियाती और फिक्री बुनियादों पर, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ अंदाज के लोगों का, उनको लेकर के वो कैसे चलेंगे। जब वो अगर अदालती मामला में उसने मुदाखलत नहीं की तो गो अहेड, और अगर उसने कर लिया तो फिर मुश्किल होगा उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह दुरानी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पे कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो बयानात दी हैं, जो गुफ्तगू की है, उस पे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और बाकी तो बातें मैं बाद में करूंगा। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा पहले वो सुन लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। भाई नवाज शरीफ पे इल्जाम क्या है, क्या इल्जाम है बोलो? नवाज शरीफ पे तो करप्शन का इल्जाम है, पर नवाज शरीफ ने कोई सरकारी रकम में, सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द की है तो जरा पूछो अपने आप से, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, मुझे बताओ क्यों निकाला। मैं जब भी कोई बात करता हूं हमेशा सोच समझ के करता हूं। अल्लाह के फजल व करम से नवाज शरीफ ने कहा कि मैं लोड शेडिंग खत्म करूंगा। आज वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग कहां चली गई, जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, उनसे बदला आप लेना है। दहशतगर्दी इस मुल्क में थी, आज कहां है दहशतगर्दी? हमने दहशतगर्दी को ठिकाने लगा दिया, कराची का अमन बहाल किया, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर आए। आज जब जनूबी पंजाब के कुछ लोग लोटा बने तो लोग उनको अब पूछने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं जाओ जाओ, तुम्हें हमने वोट नहीं देना, इंशाल्लाह उनको वोट नहीं मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब की ये गुफ्तगू आपने सुनी, बाकी बातों में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने ये बात की कि यहाँ पे जिस जो खिदमत करता है उसे करप्ट और गद्दार कह दिया जाता है, तारीख हमें बताती है कि उस शख्स ने अपने सर को नहीं झुकाया। वो आप इस्टेब्लिशमेंट और आमरियत के सामने खड़े होने की बात करते हैं, आमरियत के सामने वो खड़ा हुआ शख्स और उसने अपनी जान दे दी, आप इस तरह कर सकते हैं? आप तो जेल में जब आपको डाला गया 99 में, तो उस वक्त की जो आपकी हालत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी, आप कैसे गए बाहर और कैसे आपने डील की? अब भी आप एनआरओ की तलाश में थे। चलें छोड़ दें इन सारी बातों को, पुरानी बातें अच्छी नहीं लगती, नई बातें करते हैं। आज आपने कहा कि मैं कौम की खिदमत करूंगा, और जो पाकिस्तान की खिदमत करता है उसको गद्दार और करप्ट कहा जाता है। आपने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है? आपने पाकिस्तान में IMF के जरिए हर साल $1 बिलियन का कर्जा चढ़वाया है, ये खिदमत की है? आपने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का हवा जो है वो मजीद बढ़ा के रखा है, आपने ये खिदमत की है? आपने पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार की जो सियासत है उसको बढ़ावा दिया है, ये आपने खिदमत की है? हर साल जो बजट पेश होता रहा वो डेफिसिट में जा
جاتا رہا، یہ آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے، آپ نے پاکستان کی یہ خدمت کی ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا آپ باہر نکل گئے، آپ نے یہ پاکستان کی خدمت کی ہے، جب بھی پاکستان میں کوئی معیشت کے حوالے سے بہتری کی بات ہونے لگی کوئی نہ کوئی اٹیک ہو گیا، آپ نے یہ پاکستان کی خدمت کی ہے، جب بھی آپ پہ برا وقت آیا لائن آف کنٹرول پر فائرنگ شروع ہو گئی، معصوم بے گناہ کشمیری شہید ہوئے، یہ آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ آپ نے کون سے پاکستان کی خدمت کی ہے؟ آپ کون سے پاکستان کی خدمت کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سے نئے تعلیمی ادارے بنائے ہیں؟ آپ نے کتنے نوجوانوں کو روزگار دیا ہے؟ آپ نے کتنی بیوہ جو مائیں ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ آپ نے کتنے معصوم جو غریب لوگوں کی بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کیے ہیں؟ آپ نے کتنے غریب لوگوں کو روزگار دیا ہے؟ آپ نے افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے خط غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے لٹریسی ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں، جو بنیادی طور پر چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو جمہوری انداز سے ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ تعلیم، صحت اور یہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن میاں صاحب آپ نے تو ایک بھی چیز ڈیلیور نہیں کی، تو آپ کون سی خدمت کی بات کر رہے ہیں؟ اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو ہے وہ رہنما ہیں۔ چودھری صاحب، میاں صاحب نے آج بھی چشتیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جو خدمت کرتا ہے اسے غدار اور کرپٹ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ نے دوبارہ نون لیگ کو ووٹ دیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا۔ کون سی خدمت؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک ایسی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ ان سے متوازن بات نکلنے کے امکانات قطعی طور پہ نہیں ہیں۔ یہ میں آج نہیں، 28 جولائی 2017 سے بعد سے میں کہہ رہا ہوں، بیکاز وہ ایک شدید صدمے سے گزرے ہیں اور اس لیے ان سے توازن والی بات جی ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل ان سارے یعنی 9 مہینے 10 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں، اس میں وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ان کے پاس ایک کاغذ بھی ایسا نہیں سامنے آ سکا جو ان کی صفائی کے لیے ہو۔ یعنی وہ خود کہتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور ہمارے پاس ایک ایک کاغذ موجود ہے جہاں سے ہم نے یہ فلیٹ بنائے ہیں اور جہاں سے ہم نے کاروبار کیا ہے۔ آج ان سے جب سوالات 127 کے جواب انہوں نے دیے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی گلف اسٹیل کا کام بنی مجھے تو نہیں پتا۔ جی بالکل، میں اسی بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چودھری صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہدیبیہ ملز، لندن فلیٹس، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو پھر ان کا نام کیوں آیا اور ان کے نام سے چیزیں کیوں جانی جا رہی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نیب کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا، یہ نیب اپنے یعنی اختیارات رکھتی ہے شواہد اور ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں۔ چنانچہ ان کے پاس ایسا یعنی ڈاکومنٹس موجود ہیں یو کے کہ جو ناقابل تردید ہیں۔ ان کے پاس مختلف ملکوں کی یہ جو ٹرانزیکشن ہے پیسوں کی، وہ ایسی ہے کہ وہ ناقابل تردید ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ریفیوٹ کرنے کی بجائے پورے سسٹم کو ہٹ کر رہے ہیں نا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو جی آئی ٹی جو تھی وہ ٹھیک نہیں بنی تھی۔ وہ اللہ کے بندے، سپریم کورٹ کے اندر 136 دن جب یہ مقدمہ چل گیا اور آپ بڑی خوشی سے سپریم کورٹ سے باہر نکلے، مٹھائیاں تقسیم کی، جفیاں ڈالیں، بڑی لوٹی ڈالی کہ جناب بہت اچھا فیصلہ ہو گیا ہے اور اب جے آئی ٹی سے ہم نکل جائیں گے۔ پھر پہلے آپ کے 11 وکلاء سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اس کے بعد جے آئی ٹی جب اندر جاتے تو خوش خوش جاتے تھے یہ سارے، لیکن جو ہی جے آئی ٹی سے باہر آتے تھے تو ان کی چیخیں نکلتی تھیں۔ اس لیے جے آئی ٹی بھی بھگت لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرائل ہونا چاہیے، نیب کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا، 6 مہینے کی حد تھی وہ بھی گزر گئی اور 2 مہینے گزر گئی اور اس کے اوپر وقت گزر گیا۔ تو انہیں تو ہر صفائی دینے کا موقع دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے آج پاکستان کے اندر اتنا طویل یعنی کسی کو بھی 2.5 سال 2.5 سال ہونے کو آ جائیں گے، ان کو ساری صفائی دینے کا موقع ہو، حکومت ان کی اپنی ہو، وسائل ان کے پاس ہوں، یعنی موجودہ وزیر اعظم بھی انہی کی پانی بھرتا ہو، تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ اور کیا نواز شریف صاحب کو چاہیے۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ سزا ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ایسے موضوع کو چھیڑ دیا جو پاکستان کی سالمیت کو ہٹ کر رہا ہے، بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ پوچھئے وہ کیسے؟ ایک ایشو تھا جو پچھلے 10 سال سے پاکستان کی ایک اس کے بارے میں رائے تھی، پالیسی تھی، کہ جو 10 سال پہلے
भारत में मुंबई के अंदर ताजमहल होटल में वो हुई थी दहशतगर्दी, उसके बारे में पाकिस्तान का ये सरकारी मौकफ था कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है। जो पांच साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी चंद दिन, एक महीना, 3 मई को उन्होंने ये बयान दिया, यानी 4 साल और 9 महीने तक उनका भी यही मौकफ रहा। पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है, जब FATF की कॉन्फ्रेंस जो है अगले महीने में किसी वक्त होने जा रही है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, जब आप आलमी बरादरी को एक आदमी, ये तो जर्नलिस्ट किसी ने नहीं कहा, किसी आम सियासतदान ने ये बात नहीं की, ये बात की है पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले शख्स, बिल्कुल ठीक बात, जिसकी अपनी हुकूमत थी 4.5 साल, खुद वजीर आजम था। दुनिया को कह रहा है कि यहाँ से लोग गए, 150 बंदे उन्होंने मार दिए, यहाँ का अदालती निजाम, लेकिन उन्हें कुलभूषण यादव याद नहीं आया, वो लोग याद नहीं आए, राव याद नहीं आया। कुलभूषण को उन्होंने कहा तो जासूस का, कुलभूषण जासूस नहीं है, दहशतगर्द है, उसने 140 लोगों को मारा साबित शुदा, उसने हमारी एक हमसाया मुल्क की सरहद पार करके यहाँ से तखरीबकारी करके, और उसने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ पाकिस्तान के अंदर, सही, उसके सही, बारे में कुछ नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ चोरी की सजा से ज्यादा गद्दारी की सजा की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने ये सारा पाकिस्तान के नैरेटिव के परखिलाफ जो बात की है, अपने मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए, भारत को फायदा पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये वैसे ही उनके मुंह से नहीं निकल गया, गुज़श्ता कई महीनों से वो ये कह रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान को भी इन्होंने गद्दार कहा और वो भी मुहिब्बे वतन था, इन्होंने अल्ताफ हुसैन के बारे में भी कहा, इन्होंने ये मौकफ जो है इख्तियार किया कि मेरे सीने में राज है मैं बता दूंगा, मतलब वो अल्फाज को उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान को डैमेज करने वाला एक मौकफ उन्होंने इख्तियार किया। आज तक वो स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंड करें। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। इस सारी सूरत हाल पे भी हमने बात की, इससे पहले इमरान खान के 100 डेज़ का जो प्लान है उस पर भी बात की। जाते जाते बात दोहराऊंगा कि चाहे 100 डेज़ का प्लान हो, नवाज शरीफ की बातें हों या जरदारी साहब की बातें हों, कीजिएगा वही जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, क्योंकि आप अपने वोट का फैसला अगर करते हैं तो आप साथ ही अपने अगले 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला भी कर लेते हैं। सो बेहतरीन शख्स को चुनिएगा, बरादरी सिस्टम को ना देखिएगा, अपनी गलियों के जो फ़ायदे हैं, बल्ब लगाने वाले जो फ़ायदे हैं, घरों के आगे जो थड़े बनाने वाले फ़ायदे हैं या एक रेड़ी लेकर देने वाले फ़ायदे हैं, इनको मत देखिएगा, पाकिस्तान का फ़ायदा देखिएगा और अपनी औलाद का और अपने मुस्तकबिल का फ़ायदा देखिएगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।